रालौत के युवा महासचिव अतुल सिसोदिया उर्फ लवी भैया छाता तहसील पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका चांदी का मुकुट पहनाकर एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दो कार्यक्रम लगातार जारी किए गए हैं, जिनमें बूथ जीतेगा यूथ और भाईचारा जिंदाबाद प्रमुख है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच में चुनावी संख्या के दौरान आपसी मनमुटाव जैसी भावनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाईचारा जिंदाबाद जैसे कार्यक्रम कुछ लाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। वहीं उन्होंने छाता की नाक कहे जाने वाले शुगर मिल एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बात की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान डॉक्टर पप्पू वेद, वीरी मेंबर हरि किशन, पपीता नवल सिंह, राजेंद्र बाबा, नरेश सीताराम, सूर्य देव आदि लोग मौजूद रहे। छाता तहसील जनपद मथुरा से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट। मंत्री जी बताए, छाता में पप्पू वेद जी के यहाँ आपका दुपट्टा पहना के चांदी का मुकुट पहना के जो स्वागत किया गया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं आज जो है सबसे पहले अपने डॉक्टर साहब पप्पू वैद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने राष्ट्रीय लोकदल परिवार में, कि आपने बीजेपी को छोड़कर जो हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है और हमारे हाथों को और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को जो मजबूत करने का आपने जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये एक संदेश, क्योंकि आप इलाके के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं, तो एक संदेश ये स्पष्ट है आम जनता के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से आम जनता परेशान हो चुकी है। और ये क्रम जो एक शुरू हुआ है, ये आप देखिएगा चुनाव तक निरंतर चलता रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें देख जा रही हैं जो बीजेपी को छोड़ के लोग आपकी पार्टी में बराबर समर्थन देते जा रहे हैं, तो इसके मेन कारण क्या? देखिए, मेन कारण ये है कि जब किसी भी, कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, जब कोई सत्ता के अंदर में होता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं होता है, तो जनता उसको हटा देती है। और वो हटाने का क्रम वो धीरे 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 करके समय जैसे बढ़ता है, जनता जब परेशानियां महसूस करती है तो वो स्वतः ही एक माहौल अपने आप बनता चला जाता है। अब हम पिछले एक डेढ़ साल से ऐसा हम देख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है और आज़ादी के बाद से इतना किसानों के ऊपर अत्याचार शायद हमने इतिहास में नहीं देखा होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान की, जो किसी भी देश की एक जो बैकबोन होती है, युवा पीढ़ी, आज की डेट में युवा वर्ग बेरोजगारी से परेशान है और किसान आम आदमी महंगाई से परेशान है। डीजल पेट्रोल का 100 रुपये तक पहुंच जाना, और ज़्यादा बड़ी बात ना, हम अपने इस छाता विधानसभा की बात करें तो हमारी एक लाइफ लाइन है छाता की शुगर मिल, पूरे 5 साल के अंदर में जो अब मौजूदा हमारे रक्षा मंत्री, उस समय पहले तत्कालीन गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्वयं आकर यहाँ पर बोला कि हमारी सरकार बनते ही हम इसको मेल को चलवा देंगे। तरौली में सभा करी और उसके बाद में कई आश्वासन हो गए, मुख्यमंत्री का आगमन कई बार छाता विधानसभा में मथुरा जिले में हो गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय मंत्री एक बार भी उनके सामने शुगर मिल की मांग नहीं रख पाए और पूरे 4.5 साल हो गए, एक बार भी विधानसभा में इस मांग को नहीं उठा पाए।